Hello students, today's question is a particle is acted upon by four forces simultaneously, that is 30 newton due east, 20 newton due north, 50 newton due west, 40 newton due south. This is the question. You have to find resultant force on the particle. So first we make draw the x and y axis to support our question north and south and east and west. Now we can say that this is the direction, this one is north. This one is south, this one is east, this one is east, not west, this one is east, and this one is west. So we write this one is east, and this one is west. Okay, so ye students ko clear hai bhi ye east aur ye west hai. To jo is question mein mention hai wo aise hai, jo aapko first force di hai wo hai 30 newton due east. तो टुवर्ड्स ईस्ट है, तो यानी मैं कह सकता हूँ एक फोर्स है जो कि 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ है, यानी ये 30 न्यूटन क्वेश्चन में गिवन है. देन 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है, यानी दिस इज 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ. देन 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, 50 न्यूटन वेस्ट की तरफ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, तो ऐसे क्वेश्चन कम ही होते हैं. नाउ 40 न्यूटन ड्यू साउथ, दिस इन दिस डायरेक्शन 40 न्यूटन ड्यू साउथ, तो ये हमारे पास सारी फोर्सेज आ गई. तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसको ना सारा सॉल्व करने की जगह थोड़ा इजी करते हैं. हम मानते हैं भी ये 50 न्यूटन से कोई इस तरफ खींच रहा है, देखो 50 न्यूटन से इस तरफ खींच रहा है, 30 न्यूटन से इस तरफ खींच रहा है, यानी ये जीत जाएगा. तो मैं कह सकता हूँ भाई जो मेरी जो नेट फोर्स हो जाएगी वो कुछ ऐसे, यानी वो 20 न्यूटन इस तरफ आ जाएगी. कुछ नहीं किया बच्चे, मैंने माइनस किया, 50 में से मैंने 30 माइनस किया, तो 50 बढ़ा, तो डायरेक्शन ये वाली जीत गई, 50 माइनस 30 20 आ गया. सिमिलरली 20 है और ये 40 है, तो 40 माइनस 20 करेंगे तो ये 20 इस तरफ आ जाएगा. तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइक दिस वन. नाउ जो रिजल्टेंट, आप देखो इन दोनों में एंगल कितना है, क्योंकि ये और इसमें एंगल 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq cos थीटा होता है, इन दोनों में 90 है तो cos 90 जीरो हो जाएगा, यानी इसमें डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं 20 स्केयर प्लस 20 स्केयर, तो इसका आंसर कितना आ गया 20√2. तो दिस इज द फाइनल आंसर एंड द रिजल्टेंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 20√2, क्योंकि ये दोनों 20-20 न्यूटन बराबर थी, यानी रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में जाएगा, यानी ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, यानी द रिजल्टेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री. चलो सर ये तो ठीक है, अभी एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं. अगर आपको ना लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर दें, तो लैंग्वेज में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो वो देखिए पहले स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़े पिछले क्वेश्चन से चेंजेस किया है. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो, जो पिछले क्वेश्चन में 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट था, अभी मैंने कह दिया 30 न्यूटन ईस्ट ड्यू साउथ एट 30 डिग्री. ये एंगल है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, तो ये इन्होंने एंगल दिए हैं. अभी जो सोचने वाली बात ये है, 30 न्यूटन ईस्ट ड्यू साउथ, जब ड्यू वर्ड यूज़ किया है ईस्ट ड्यू साउथ, देन ड्यू का मतलब है जो एंगल है वो ईस्ट के साथ है, ईस्ट एंड साउथ के बीच में हम ये स्ट्रेट लाइन खींच ली, और ये जो एंगल है 30 डिग्री वो पहले वाले के साथ है, क्योंकि जब ड्यू वर्ड यूज़ करते हैं तो फर्स्ट वाले के साथ होता है, तो ये एंगल 30 डिग्री यहाँ आ गया, और ये फोर्स कितनी दी है वो भी 30 न्यूटन दी है, तो ये 30 न्यूटन हो गया. चलो सर ये क्लियर हो गया. अभी सेकंड लैंग्वेज में मैंने क्या किया, 20 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यहाँ पर हमने ऑफ लगाया है. ऑफ वेस्ट में जब नॉर्थ ऑफ वेस्ट में 30 डिग्री है, तो इसका जो एंगल है वो हमारा बाद वाले के साथ में बनता है, यानी ये जो एंगल है वो हमारा जो 30 डिग्री है वो कुछ इस तरफ है 30 डिग्री वेस्ट के साथ. तो ये कितनी फोर्स दी है मेरे को, 20 न्यूटन. तो ये मेरे को क्लियर हो गया. सर अगर दिया है ईस्ट ड्यू साउथ, या अगर ड्यू वर्ड यूज़ किया है, तो पहले वाले के साथ एंगल यानी ईस्ट के साथ 30 डिग्री बना, लेकिन जब नॉर्थ ऑफ ऑफ वेस्ट यानी ऑफ वर्ड यूज़ हो गया, तो पहले वाले के साथ एंगल नहीं है, वेस्ट के साथ एंगल है, ये वेस्ट के साथ 30 डिग्री लिया है. तो सर आप बहुत गड़बड़ गंद डाल रहे हैं, गंद नहीं डाल रहा बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, आपको ये चीज़ समझ में आई भी है क्या एक्चुअली. तो सर अभी हमें क्लियर है, जो फर्स्ट केस है जिसमें हमने ड्यू वर्ड यूज़ किया है, उसमें एंगल पहली फोर्थ पहले ईस्ट होगा तो ईस्ट आती, साउथ है तो साउथ है, यानी ये ईस्ट वर्ड यानी ईस्ट के साथ 30 डिग्री है. तो नॉर्थ ऑफ जब ऑफ यूज़ किया है तो दूसरे वाले के साथ एंगल होता है, यानी वेस्ट के साथ एंगल हो गया, ठीक है. नेक्स्ट है 50 न्यूटन साउथ वेस्ट, इसमें मैंने एंगल ही नहीं दिया, साउथ भी बोल दिया वेस्ट भी दे दिया. जब साउथ वेस्ट है यानी साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, यानी ये वाली लाइन दोनों के साथ ही 45 डिग्री, क्योंकि एंगल नहीं गिवन,
तो ये 45 डिग्री हो गया। तो चलो सर हमें क्लियर है, जो लास्ट है वो 40 न्यूटन ड्यू साउथ हो गया, तो इसको हमने 40 न्यूटन ड्यू लिख लिया। तो इसके दो मेथड होते हैं, जो पहला मेथड है वो ऐसा होता है भी आप यहाँ से एंगल काउंट करने शुरू कर दीजिए इस एक्सिस से, ईस्ट वाले से, यूँ करके यूँ घूमेंगे। तो ये जो पहला एंगल हमारा बना, तो मैं अभी दूसरे कलर से आपको एंगल बना के दिखाता हूँ भी कैसे कैसे आपने एंगल लेने हैं। तो जो पहला एंगल है वो यूँ बना और ये एंगल बन गया, ये 150 डिग्री आ गया, क्योंकि 30 डिग्री 80 से माइनस के 150 आ गया। दूसरा जो हमारा एंगल बना, जो यहाँ से लेके घूमता घूमता यहाँ तक पहुँच गया, ये हमारा आ गया टोटल यहाँ तक 180 होता है, 180 प्लस 45 यानी दिस इज 225। तो सर ये 225 बन गया। उसके बाद में ये जो एंगल है लास्ट वाला, ये जो एंगल है ये हमारा कितना हो गया सर, ये 40 न्यूटन है, ये 270 डिग्री है। और लास्ट जो पूरा यूं से घूम के यहाँ तक आ गया वो एंगल है, क्योंकि टोटल 360 होता है, ये 30 डिग्री है, माइनस करोगे तो ये 330 डिग्री आ गया। तो मैंने आपको बताया था सारी फोर्सेस लिख लीजिए, क्योंकि ये एरो दूर है तो ये 20 न्यूटन है, तो ये प्लस का है, ठीक है। एंगल कितना है इसका, एंगल कितना बना था पहले का, ये वाला 150 डिग्री था एंगल, ठीक है सर, लिख लो इसको 150 है, दिस वन इज 150 डिग्री। तो उसके बाद हमारा ये फोर्स थी, ये जो हमारी फोर्स थी ये कितनी थी, ये हमारी थी 50 न्यूटन, तो ये 50 न्यूटन थी, तो हम डालेंगे 50 न्यूटन यहाँ पर, ये न्यूटन है, ये न्यूटन है, और ये एंगल कितना है, 150 डिग्री था, इसका एंगल है 225 डिग्री, ठीक है सर। अब 50 न्यूटन के बाद फोर्स कितनी है, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का एंगल कितना है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये था 270, तो 270 डिग्री। और लास्ट जो है 30 न्यूटन है सर, 30 न्यूटन पे जो हमारा एंगल है वो 330 डिग्री था, तो 330 डिग्री। तो आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अब आपने क्या करना है, बड़ा ही सिंपल सा मैजिक लगाना है और डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आप सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल में आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल लिख के पहले आपने ये लिखना है 20, फिर क्या लिखना है कॉस, फिर क्या लिखना है 150, ठीक है। अब उसके बाद फोर्स कितनी है 50, तो कॉस कितना आ जाएगा 225, ठीक है सर। तो उसके बाद 40, सारी अवे जा रही हैं क्योंकि पुश पुल नेचर की फोर्सेस हैं, ये एंगल है कॉस 270 डिग्री, और जो लास्ट आ जाएगी वो आ गई हमारी फोर्स कितनी थी 30 न्यूटन, और ये आ गया कॉस 330। तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। जब आप वर्टिकल निकालने जाएंगे तो सर क्या करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल की जगह यहाँ पर वर्टिकल लिख देंगे, तो जहाँ जहाँ पर कॉस लिखा है वहाँ वहाँ पर क्या डाल देंगे, साइन डाल देंगे, तो वो वर्टिकल भी आ जाएगा सर। जब आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल निकाली है तो रिजल्टेंट का फॉर्म होता है अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केयर प्लस वर्टिकल स्केयर, सर दिस इज़ वेरी इजी। तो इसको कर लेना। तो डायरेक्शन निकालनी है तो फाइनल आपको मालूम है भी टेंजेंट डायरेक्शन होती है वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल, तो ये भी आप टेंजेंट इनवर्स लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर। थैंक यू।